सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अपनी अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी यहाँ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है और जिस समाजवादी पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है, वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडा गर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर ही होती रही हैं और अब चुनाव के दौरान भी ये वारदातें अभी तक भी होनी बंद नहीं हुई हैं और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते प्रदेश में शुरू से ही यहाँ हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफ़ी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है।